सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए पशुधन विकास मिशन की एक और बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास मिशन ने एक नया नोटिस जारी किया है, जिसके तहत वे पशु मित्र, पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता और जिला समन्वयक के खाली पदों को भरने जा रहे हैं। 9000 से ज़्यादा खाली पद हैं, जिन पर आप सभी कैंडिडेट्स कम से कम 10वीं या फिर 8वीं पास कैंडिडेट्स इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। सीधी भर्ती है, बिना किसी एग्जाम के यहाँ पर आपके सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कौन सी पोस्ट के लिए रखी गई हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो, कितनी सैलरी आपको सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है जिसके तहत आपका चयन किया जाएगा, क्या डेट है जिससे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आवेदन कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग के अंदर यह भर्ती निकली है, जहाँ पर पोस्ट के नाम है जिला समन्वयक, पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कृत्रिम गर्भाधानकर्ता यानी कि पशु मित्र। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 9032 हैं, जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो। पोस्ट वाइज भी आप यहां से वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हो, जैसे कि जिला समन्वयक की पोस्ट के लिए 75 खाली पद हैं, वहीं पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए 822 खाली पद हैं, पशु मित्र या फिर कृत्रिम गर्भाधानकर्ता की पोस्ट के लिए 8135 खाली पद हैं। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 9032 खाली पद हैं, जिन पर आप सभी कैंडिडेट्स लास्ट डेट से पहले पहले बेझिझक आवेदन कर सकते हो। बात अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो पोस्ट वाइज यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, जैसे कि जिला समन्वयक की पोस्ट के लिए स्नातक डिग्री का होना कैंडिडेट के पास जरूरी है, वहीं पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए कैंडिडेट का कम से कम 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, पशु मित्र या फिर कृत्रिम गर्भाधानकर्ता की पोस्ट के लिए कैंडिडेट कम से कम 8वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर स्कूल से। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो पोस्ट वाइज यहां पर आपकी एज लिमिट तय की गई है। जिला समन्वयक की पोस्ट के लिए 25 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है, पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए 18 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है, पशु मित्र की पोस्ट के लिए 18 से 40 वर्ष आपकी आयु सीमा रखी गई है। सैलरी यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज प्रोवाइड करा दी जाएगी। जिला समन्वयक की पोस्ट के लिए सैलरी आपको ₹15,000 पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड कराई जाएगी और पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए ₹12,000 प्रति माह के हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। पशु मित्र की पोस्ट के लिए सैलरी आपको ₹8,000 प्रति माह के रूप से प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो पोस्ट वाइज आप एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हो, जैसे कि जिला समन्वयक की पोस्ट के लिए ₹1,200 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, वहीं पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए ₹1,000 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, पशु मित्र की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को केवल ₹800 आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराना है। यह आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी एग्जाम के यहाँ पर आपके सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाएगा, सीधी भर्ती है। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को यूपी पशुधन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.pasumitra.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से 1x1 करके रीड करनी है। पूरी डिटेल 1x1 केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके पूरी डिटेल उसमें से रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। ये इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से आप पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक रीड कर सकते हो कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है, क्या आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है। इस प्रकार की पूरी डिटेल यहाँ पर इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में दी गई है, जो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। प्लस आपको यहीं पर आवेदन करने के लिए लिंक भी दिया गया है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जैसे ही आप इस लिंक पर आवेदन करें, लिंक पर
क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई टैब खुल जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन टैब पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम प्रोवाइड कराना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका नाम है आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर फिलअप करते हुए आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर बटन पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद आपको लॉगिन टैब पर जाकर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट कर देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग रिक्रूटमेंट्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।